नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मित लाइव। मैं हूं सुनील शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। वाराणसी में ममता के काफिले को घेरकर विरोध किए जाने के मामले में सपा नेता ने चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत। सर्जरी के लिए मरीज के परिवार से 20,000 रुपए मांगने का NRS अस्पताल पर लगा आरोप। साइबर क्राइम रोकने पर स्थायी समिति ने दी रिपोर्ट। कहा, बंगाल का अनुसरण करते हुए अन्य राज्यों में भी जिला आधारित साइबर सेल स्थापित होने चाहिए। राज्य में 24 घंटे में कोरोना के 125 नए मामले सामने आए। भाजपा उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, ममता बनर्जी यूक्रेन जाना चाहती हैं तो जाएं। मोदी दुनिया के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने छात्रों को सकुशल वापस लाया। अलीपुर मौसम विभाग ने कहा, अगले 5 दिनों तक बंगाल में शुष्क रहेगा मौसम। टेंगरा के प्लास्टिक कारखाने में लगी आग, लोगों में अफरा तफरी। 11 और 12 मार्च को गुजरात के दौरे पर जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मणिपुर में दूसरे चरण का मतदान जारी, मतदाताओं में दिखा उत्साह। इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन ने रूस और बेलारूस के एथलीट्स को प्रतिबंधित किया। यूक्रेन ने जर्मनी से मांगे हथियार, कहा टैंक, पनडुब्बी और लड़ाकू हेलीकॉप्टर दें। देश में कोरोना के मामलों में आई कमी, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,921 मामले सामने आए। फेसबुक ट्विटर के बाद रूस में अब यूट्यूब पर भी लगा बैन। यूक्रेन के साथ जंग के बीच पुतिन बोले, रूस के पड़ोसियों को तनाव नहीं बढ़ाना चाहिए। रूस ने किया सीज फायर का ऐलान, यूक्रेन में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए लिया फैसला। रूस ने 10 दिनों से चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट के कर्मचारियों को बंधक बना रखा है, बोला यूक्रेन। यूक्रेन में मारे गए भारतीय छात्र का शव लाने की कोशिश जारी, कर्नाटक के CM ने विदेश मंत्री से की बात। मोहाली टेस्ट में रविंद्र जडेजा ने जड़ा शतक, टेस्ट करियर की दूसरी सेंचुरी। 5 राज्यों में चुनाव के बीच राहुल गांधी ने दिल्ली स्थित आवास पर बुलाई बैठक। FATF की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा पाकिस्तान, मीडिया रिपोर्ट में किया गया दावा। रूस यूक्रेन जंग के बीच भारतीय वायुसेना ने टाला वायु शक्ति सैन्य अभ्यास। पोलैंड और रोमानिया का दौरा करेंगी अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। अब तक लिए बस इतना ही, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।